हम सभी रॉजर और व्हाइट बेड क्लैश को देखना चाहते हैं और वो भी उनके क्रू के साथ जो पास्ट में हो चुका है, ये बात हम सभी को पता है। पर उस चीज को हम डिटेल में जानने के लिए अभी भी एक्साइटेड हैं, तो यहाँ पर मैं उस एक्साइटमेंट को और बढ़ाने के लिए लेकर आया हूँ रॉजर पायरेट वर्सेस व्हाइट बेड पायरेट्स, वो भी एक ट्विस्ट के साथ। ट्विस्ट ये होगा कि वो सभी लोग अपने पीक में होंगे, क्योंकि उस टाइम पे कोई 58 नहीं था तो कोई 54 नहीं था, इसलिए हम उन सभी को उनके पीक में कंपेयर करेंगे जो हर किसी ने मरने से पहले अचीव की थी या फिर अब करंट में की है। पर उससे पहले हम दोनों ही क्रू के क्रू स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं एक समरी में, बाकी अगर डिटेल में वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में बता देना मुझे। और इसी के साथ दोनों ही क्रू में काफी सारे मेंबर्स हैं और सभी के बारे में जानते जाते तुम लोग बोर हो जाओगे, तो बस हम इस वीडियो में पॉपुलर के बारे में बात करेंगे और दोनों क्रू को उनकी पावर के बेस पर कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के लिए यहाँ पर हम सिंपल सी रैंकिंग का यूज करेंगे, एस से लेकर डी तक, यानी मोस्ट पावरफुल एस टियर में होंगे और उनसे लेस पावरफुल उससे नीचे वाले टियर में होंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि किस क्रू के कितने बंदे हायर रैंक पर हैं और कौन जीतेगा इस मैच को, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी लोग। तो स्टार्ट करते हैं रॉजर पायरेट्स के साथ, जिसमें पहला बंदा है सनबेल। हम सभी सनबेल के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, बट हमें इतना पता है कि लास्ट फ्लैशबैक में हमने सनबेल को विस्टा के अगेंस्ट देखा था। इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे नजर डाले तो ये एक फिशमैन है, यानी इसके पास नॉर्मल ह्यूमन से 10 टाइम्स स्ट्रेंथ ज्यादा है और साथ में इसे फिशमैन कराटे भी आता ही होगा। सनबेल ये बंदा क्रू के टॉप मेंबर में आता है, यानी उसकी पावर रेजिंग पायरेट किंग के क्रू के लेवल की थी और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि व्हाइट बियर्ड पायरेट और मरीन्स के अगेंस्ट जाने के लिए तुम्हारे पास स्टैंड करने लायक पावर होनी चाहिए। और 38 इयर्स पहले रॉजर पायरेट गॉड वैली पर रॉक्स पायरेट से भिड़े थे और 27 इयर्स पहले गोल्डन लाइन पायरेट से। तो इतने पावरफुल लोग और उनके क्रू से फाइट करने के लिए यू हैव टू बी एन एलीट। तो इन सभी को कैलकुलेट करके हम सनबेल को अपनी रैंकिंग में रखेंगे बी रैंक पर, ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास सीगल गंस नॉसडन। ये आदमी रॉजर पायरेट में सबसे टॉलेस्ट और मस्कुलर मैन है। नॉसडन एक पावरफुल कैरेक्टर है जो बैटल को काफी सीरियस लेता है और उसे एंजॉय भी करता है। हमने इसकी ज्यादा फाइट तो नहीं देखी है, बट व्हाइट बीट पायरेट के अगेंस्ट में हमने इसे यंग जोजू से फाइट करते देखा था और जोजू की पावर हम मरीन फोर्ट पे देख चुके हैं कि वो किस तरह से फाइट करता है। सो नॉसडन जोजू के डायमंड फॉर्म अटैक को ब्लॉक कर देता है, यानी वो भी एक्सट्रीमली पावरफुल है एज कम्पेयर टू जोजू। सो हम नॉसडन को बी रैंक पे रखेंगे। अब हमारे पास है डगलस बुलेट। इस बंदे को हमने मूवी में देखा था कि ये बंदा किस लेवल की स्ट्रेंथ पोजेस करता है और साथ में इसके पास कॉन्करर हाकी और आर्मामेंट हाकी भी है। इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग प्रोवेस बुलेट को मोस्ट पावरफुल बंदों में रख सकते हैं जिनके पास काफी अच्छी फाइटिंग एक्सपीरियंस और पावर है। बुलेट की स्ट्रेंथ एक एंटायर कंट्री को खत्म करने के लिए काफी है। इसी के साथ इसके पास एक डेवल फ्रूट भी है गासा गासा नोमी, जो इसे किसी भी चीज को डिसेंबल और असेंबल करने को अलाउ करती है। तो इतनी सारी पावर के साथ में हम डगलस बुलेट को ए टियर में रखेंगे, क्योंकि जितना पावरफुल इसे मूवी में दिखाया है उतना ही सीरीज में था कि नहीं ये क्लियर नहीं है, क्योंकि वहां पर इसकी स्ट्रेंथ को कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल की दिखा दी गई थी। नाउ हमारे पास है स्कॉपर गवान। गवान रॉजर पायरेट का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है और रॉजर के लिए भी। ये बंदा रॉजर की रेपुटेशन सही स्टैंडर्ड पे रखता है और स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करता है, क्योंकि ये रॉजर को व्हाइट बेड के आगे सर झुकाने से भी रोकता है, जो दिखाता है कि इसकी रिस्पेक्ट रॉजर के लिए कितनी ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि ये और रेली रॉजर को सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। गवान इस क्रू में फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में एक प्रोमिनेंट फिगर है, क्योंकि रेली और रॉजर के साथ हर फाइट में चार्ज करता है और टॉप लेवल के बंदों को संभालता है, और हमने इसे कोजुकी ओडन के साथ क्लैश करते हुए भी देखा था। गवान पेयर ऑफ एक्सिस वील्ड करता है, जो सच में यूनिक फाइटिंग स्टाइल है, साथ में स्वॉर्ड से ज्यादा मोर डेंजरस भी है। तो गवान भी हमारा टीयर ए में रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास सिल्वर रेली। रेली द राइट हैंड मैन ऑफ रॉजर, ये बंदा वो भी अपने प्राइम में, ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है। रेली ने यंग मार्को के अटैक को उंगली से रोक दिया था, जो इसकी हाकी पे मास्टरी को दिखाता है। इसके पास कॉन्करर हाकी है, आर्मामेंट है और ऑब्जर्वेशन हाकी भी है। रेली सीरीज के ग्रेटेस्ट कैरेक्टर में काउंट होता है। रेली एक प्योर स्वॉर्ड्समैन भी नहीं है, बट स्टिल स्वॉर्ड्स के साथ किजारो को होल्ड कर ले रहा था, वो भी अपनी ओल्ड एज में। और हम बात कर रहे हैं इसके प्राइम की।
ये धागे खोल देगा अपोनेंट के। प्राइम रेली यानी गार्प, सेनगोकी, रोजर और व्हाइटबेर्ड की पावर का आदमी, तो रेली को हम रखेंगे ए प्लस टीयर में। नेक्स्ट हमारे पास है बगी। बगी जो अब एक योंको बन चुका है। हाइस में उसकी पावर का ज्यादा रोल नहीं है, उससे ज्यादा इसके लक का है, बट स्टिल बगी अपने आप को डिफेंड कर सकता है किसी के अगेंस्ट भी, ये उसके पास खूबी है। तो हम बगी को डी टीयर में रखेंगे। नेक्स्ट है सैंक्स। सैंक्स जो करंटली अपने प्राइम में है आई गेस, और हम सब जानते हैं कि वो कितनी ऑसम पावर रखता है, जो चीज मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई है। अगर तुम जानना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद वो भी जाके देख लेना। सैंक्स बाकी सभी योंको के आगे भी स्टैंड करता है अपनी पावर्स में, और उनसे लड़ने के लिए भी उसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। वन पीस में वो जो करना चाहता है वो कर सकता है, और हमने ये भी देखा था किस तरह से सैंक्स ने मरीन पोर्ट पे जाके वॉर रोकी। वानों में एडमिरल को अपनी हाकी पे उल्टे रास्ता नब्बा दिया, और एल्बाफ में किड पायरेट्स की रेल बना दी। तो हम कह सकते हैं कि सैंक्स अच्छे खासे लेवल की पावर होल्ड करता है, तो सैंक्स डिजर्व करता है एस टीयर में होना। इसके बाद सैंक्स के फैन तो खुश होंगे। अब हमारे पास द कैप्टन ऑफ रोजर पायरेट, खुद गोल्डी रोजर। ये बंदा अपने प्राइम में हर किसी के लिए थ्रेट था। इसने ज़ेबैक से फाइट की, गार्प, सेनगोकू, शीकी, व्हाइट बियर्ड, मतलब ऐसा एक सिंगल टॉप टीयर नहीं है जिसने इसकी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज ना किया हो, और साथ में वो इसकी रिस्पेक्ट ना करता हो। इसने अपनी पावर के दम पर पूरे वन पीस वर्ल्ड में छाप छोड़ी है, और ये जो लेवल सेट करके गया है उसे बीट करना बहुत मुश्किल है। तो कैप्टन गोल्डी रोजर डिजर्व करता है टू बी इन टीयर एस। अब हमारे पास है व्हाइट बियर्ड पायरेट्स, जिसमें हम शुरू करते हैं कैप्टन के साथ। हमारे पास है प्राइम एडवर्ड न्यूगेट, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। इस आदमी ने पावर के स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं रोजर के साथ। ये हिस्ट्री में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट में से एक रहा है, और अपने एंड टाइम तक ये वो रुतबा रखता था कि एक लास्ट स्टेज ऑलमोस्ट डाइंग पर्सन की स्ट्रेंथ से मरीन्स की फट रही थी। सेनगोकू तक ये कह रहा था कि एडवर्ड वो पर्सन है जिसके पास पूरी दुनिया को तबाह करने की पावर है। बात करें इसकी प्राइम की, तो ये अपने प्राइम में एक 20 से कम नहीं था, जो सभी लोगों की बोलती बंद करके रखता था, लाइक काइडो, बिग मॉम, शीकी एंड ऑल। तो एडवर्ड खुद एस टीयर में रहेगा, मैं पंगे नहीं लूंगा इस बंदे से, इसे नीचे रख के। नेक्स्ट हमारे पास है मार्को दी फीनिक्स। मार्को मरीन फोर्ट पे काफी सारे जाइगेंटिक कैरेक्टर के सामने हम सभी को उतना पावरफुल नहीं लगा था कि ये इतना पावरफुल बंदे का फर्स्ट डिविजन कमांडर कैसे हो सकता है, बट ये चीज वानों में आके प्रूव करता है कि मैं डॉक्टर हूँ बट झोला छाप नहीं। वो बढ़िया बीस्ट पायरेट्स और बिग मॉम पायरेट्स को संभालता है अकेले ही। मार्को का होना एक ग्रुप में बहुत बड़ी हेल्प है हर तरह से, इसीलिए हम मार्को को ए टीयर में रखेंगे। नेक्स्ट है कोजुकी ओडन। ओडन वानों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में था, बट जब वो वानों को छोड़ता है और व्हाइट बियर्ड पायरेट को ज्वाइन करता है, तो भी उसकी स्ट्रेंथ एक वेल सेटल्ड क्रूमेट की थी, जो अपने कैप्टन को पावर के बेसिस पे सपोर्ट कर सकता है, और क्रेजी कैरेक्टर भी था ये। ओडन से जो भी मिलता था वो ओडन की स्ट्रेंथ और पागलपन का फैन हो जाता था। एक फन लविंग कैरेक्टर, बट एट द सेम टाइम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द रूम। ओडन बस दिल का इतना अच्छा ना होता तो ये और भी ज्यादा डेडली होता, तो इसने काइडो की माँ की आरती उतार दी होती। इसीलिए इंसाफ तो चाहिए ओडन को, बट अभी के लिए हम ओडन को रखते हैं टीयर ए में। अगला हमारे पास है पोर्टगस डी एस। एस वैसे तो गोल्डी रोजर का बेटा है, बट वो इसी क्रू का मेंबर है, तो सब इसी में रखेंगे, क्यों ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करना, सिंपल रखो आनंद आता है। एस इसने काफी मेहनत की थी अपने लेवल तक आने में, और वो भी काफी स्ट्रांग बन गया था उस टाइम तक, तो एस अपने प्राइम में और भी ज्यादा पावरफुल होता। अराबास्टा में वो लूफी तो क्या हर उस बंदे से पावरफुल था जो अपने आप को पायरेट कहता था, वो भी न्यू जनरेशन का, और आगे व्हाइटबियर्ड की शिप पे वो एक डिवीजन का कमांडर बनता है। उसने व्हाइट बियर्ड से कई बार फाइट की थी, और वो लास्ट फाइट तो डूड स्वाद ही आ गया था। क्या सोच रहे हो, नहीं पता तुम्हें इसके बारे में, कोई ना बालक, हमारी एस नोवेल वाली सीरीज को देखो, मजा आ जाएगा। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एस का बैटल आईक्यू और अटैक टॉप नॉच थे, जिससे उसने सी में आते ही कुछ ही टाइम में अपना नाम बना लिया था और व्हाइट बियर्ड की रिस्पेक्ट गेन की थी। तो हम कह सकते कि अगर ये कैरेक्टर सीरीज में और कंटिन्यू करता, अपने प्राइम में जाता, तो ये पक्का टीयर ए को बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैक बियर्ड यानी मार्शल डी टीच। ये जो अभी एक योंको बन चुका है और एक एलीट कैरेक्टर में आता है,
बट यहाँ पर हम उस ब्लैक बियर्ड को लेंगे जिसने धोखा नहीं दिया है और यामी यामी नोमी खा रखा है। स्टिल ब्लैक बियर्ड काफी पावरफुल है और एनिमीज के लिए एक थ्रेट अभी भी है। ब्लैक बियर्ड डेवल फ्रूट के मामले में सुपीरियर है बट हाकी के मामले में लैग करता है क्योंकि उसने अभी तक किसी भी फाइट में हाकी को नहीं दिखाया है और जल्दी उसकी फट भी जाती है। बट यामी यामी नोमी के साथ हम ब्लैक बियर्ड को स्टिल टीयर ए में रख सकते हैं क्योंकि ये फ्रूट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रूट में आता है। अगला हमारे पास है डायमंड जोजू। ये कैरेक्टर एक टैंक कैरेक्टर है। इसने मरीन फोर्ट पे सभी की रिस्पेक्ट गेन की थी और अपोनेंट्स की लेनी देनी कर दी थी। कोई भी ग्राउंड अटैक को ये पास थ्रू नहीं होने दे रहा था, चाहे फिर आगे कोई एडमिरल हो या फिर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन मियोकी क्यों ना हो। जोजू मरीन फोर्ट पे सभी से कह रहा था कि बेटा शिलाजीत खा कर आओ, तुमसे नहीं हो पाएगा। चाहे हम यंग जोजू की बात करें या फिर प्राइम जोजू की, ये बंदा खुद को प्रूव करता है कि इसके पास पावर और गूदा दोनों ही है। जोजू ऐसा नहीं है कि मार्गो के लेवल का है बट उससे ज्यादा पीछे भी नहीं है, तो जोजू को हम बी प्लस टीयर में रखेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास है फ्लावर ब्लेड विस्टा। मरीन फोर्ट के बाद विस्टा की ज्यादा बात नहीं होती है बट विस्टा डिजर्व करता है कि भाई बात करो मेरे बारे में, वो स्ट्रॉन्ग है। ये चीज उसने दिखाई थी, विस्टा ने अपनी पावर मिहोक के अगेंस्ट में दिखाई थी उसे होल्ड करके। हमें ये नहीं पता कि पावर के मामले में विस्टा मिहोक से कितना पास है बट फैक्ट ये है कि मिहोक को पता है कि विस्टा है कौन, तो पावरफुल होगा ये बट कितना ये सोचने वाली बात है। बट हमें इसका आंसर नहीं पता है, हमें विस्टा को और देखना है, क्या पता मेन स्टोरी में आगे वो देखने को मिले। बट तब तक के लिए हम विस्टा को बी प्लस टीयर में रख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनुराशी और नेको मामूशी। इन दोनों कुत्ता बिल्ली की ताकत हम जो और वानो दोनों जगह विटनेस कर चुके हैं। ये दोनों ही काफी पावरफुल है और इनकी सुलोंग फॉर्म इनकी स्ट्रेंथ और स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देती है। जहाँ इन्होंने जैक की बत्ती बना दी थी, सुलोंग फॉर्म में इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिस चीज के लिए मिंक जाने जाते हैं और ये दोनों बाकी मिंक से पावरफुल है। तो हम इन्हें बी टीयर में रख सकते हैं। तो यहीं पे हमारा कंपैरिजन खत्म होता है और हम रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ओवरऑल में अब रॉजर पायरेट स्लाइटली पावरफुल है व्हाइट बियर्ड पायरेट से। फाइट में काफी सारी चीजें ब्लैक बियर्ड एस और सैंक्स पे डिपेंड करेंगी कि ये कैसा फाइट करते हैं बैटल में, क्योंकि ये तीनों ही कैरेक्टर डिफरेंट लेवल का पोटेंशियल रखते हैं। जब बात कर रहे हैं उनके प्राइम की तो ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा बट हम ऐसा कभी देख नहीं पाएंगे। बट स्टिल सोच कर ये बैटल सिनेरियो थ्रिलिंग और इंटेंस लगता है और अब मैं श्योर नहीं हूँ कि ये टॉपिक कैसा है बट जो मन में था वो मैंने दे दिया तुम्हें। तुम लोग मुझे कमेंट से बताना कि वीडियो कैसा लगा और साथ में इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लो फॉर शॉर्ट कंटेंट। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय करो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।